हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। और मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक ये है कि आज का टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे हेरम्बा चंद्र कॉलेज को। कैसे करेंगे सर रिव्यू? यहां पे हम ना फीस, एलिजिबिलिटी, मेरिट लिस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, सब चीज के बारे में जानेंगे कि हेरम्बा चंद्र कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया जाता है, कोएड है, डे शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, कौन से लोकेशन में पढ़ता है, क्या क्या कोर्सेज ऑफर करता है, कितना इसका फीस रहता है, कैसा कॉलेज है, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। मतलब समझ लो पूरी की पूरी जन्म कुंडली निकाल देने वाले हैं हम लोग हेरम्बा चंद्र कॉलेज का। तो आओ जल्दी से बैठो एक जगह पे और ये वीडियो को एकदम एंड तक देखना। अगर तुमको हेरम्बा चंद्र कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल ये वीडियो को एंड तक देखना। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जब डेट आएगा तब मैं अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले जान तो लो कि कॉलेज कैसा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हेरम्बा चंद्र कॉलेज लोकेशन कहाँ है सर इसका? लोकेशन है गोरियाहाट रोड में, जो कि ढाकुड़िया में रहता है। ऑफ कोर्स ढाकुड़िया में ये कॉलेज है, गोरियाहाट रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, 7,29,000। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बोले तो वो ढाकुड़िया है। ऑफ कोर्स नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ढाकुड़िया है, लेकिन कोई भी अगर बस से तुम ट्रेवल कर रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम वहां पे अगर गोल पार्क बस स्टॉप में उतर जाओगे ना तो कॉलेज एकदम पास में है। ठीक है, मैं बता दूं कि ये एक कोएड कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, एकदम बहुत नामकार कॉलेज है, बहुत पढ़ाई होती है इधर। इतना सीरियस सीरियस स्टूडेंट बैठते हैं ना, इतना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये डे शिफ्ट कॉलेज है। ओके, तो इसमें तुमको दिन की गर्मियों का सामना करके कॉलेज जाना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बात है ना। और इसमें इसमें ऑफ कोर्स भाइयों और उनकी बहनों मतलब कोएड रहेंगे, है ना, ये कॉलेज कोएड है। इसके बाद कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। कोर्सेज क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं सबसे पहले तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल, जी मतलब जनरल, एच मतलब ऑनर्स। ओके, समझ गए तुम लोग। बीए ऑनर्स, बीए जनरल, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए बीए ऑनर्स, बीए जनरल और बीएससी ऑनर्स, बीएससी जनरल, ये सारे के सारे कोर्सेज तुमको मिल जाएंगे हेरम्बा चंद्र कॉलेज में। मैं बता दूं कि ऑल ओवर कोलकाता में सबसे बहुत बेहतरीन कॉलेज है हेरम्बा चंद्र कॉलेज, ये नाम किया हुआ कॉलेज है। ओके, इसको सिटी कॉलेज भी बोला जाता है पूरा टोटल मिला के। ठीक है, और इसके तीन शिफ्ट होते हैं, इसके जो डे शिफ्ट होता है ना वो डे शिफ्ट का नाम है हेरम्बा चंद्र कॉलेज। ठीक है, समझ गए। सारे के सारे कॉलेजेस का रिव्यू करने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो को आराम से ध्यान से तुम देखते रहना। एक बार चित्र देख लो अपना कॉलेज को, अगर तुम इस सुनहरे से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका चित्र देखना तो बहुत जरूरी बनता है तुम्हारे लिए। देखो सिटी कॉलेज लिखा हुआ है, पूरा का पूरा टोटल को सिटी कॉलेज बोला जाता है और ये 1954 में बना हुआ था। ठीक है, ये कॉलेज साउथ कैलकाटा ब्रांच है ये, है ना। ओके, आगे देखते हैं सर इसका एडमिशन प्रोसीड्योर बताइए कि एडमिशन कैसे होता है कॉलेजेस में। एडमिशन करने के लिए क्या हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा? नहीं, ऑनलाइन होता है आजकल। आजकल तुमको इन भारी गर्मियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे बैठे तुम कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए जब एडमिशन चालू होगा मैं खुद डेमो दे के बता दूंगा तुमको कि एडमिशन कैसे हो रहा है, फिर भी तुम देख लो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट यू हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा पिताजी का नाम, माता जी का नाम, एचएस में कितना लाए हो, एचएस में क्या कांड करके आए हो, ये सारा का सारा डिटेल्स, तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा ऑफकोर्स तुम्हारा आधार कार्ड और ऑफकोर्स बहुत सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारा चित्र, सारे के सारे तुमको कहाँ पे फॉर्म फिल करना है, फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आउट होगा। मेरिट लिस्ट में ये पता चलेगा कि तुम इस कॉलेज में आ सकते हो कि नहीं। तुम्हारा जो नंबर रहेगा ना, तुम्हारा जो मार्क्स रहेगा उस बेसिस पे होगा, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स रहेगा वो ऑफ कोर्स उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट होता है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखो फीस पेमेंट होगा, उसके बाद एडमिशन शेड्यूल कर दिया जाएगा तुम्हारा, उसके बाद कॉलेज में जाके तुमको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा, आधार कार्ड या तो फोटो देके दिखाना पड़ेगा, हाँ हम ही हैं, हम ही एडमिशन किए हैं, ये सब जाके कॉलेज में तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद क्या, उसके बाद पढ़ाई लिखाई दुनियादारी सीयू के चक्कर में पड़ जाओ,
है ना। चलिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सर, बहुत मजाक कर रहे हैं आप, तो मजाक करना चाहिए, वैसे भी तुम मजाक बनने वाले हो, ऑफकोर्स कॉलेज वाला लाइफ चल रहा है तुम्हारा। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें। देखो ये 10+2 का तो पासिंग मार्क्स चाहिए, ऑफकोर्स 12 पास नहीं हुए तो कॉलेज में कैसे जाओगे, बचपन का सपना थोड़ी ना ये, 12 पास होना जरूरी है सबसे पहले। दूसरा 50% तो टोटल में चाहिए जनरल कैंडिडेट्स को। जनरल कैंडिडेट यानी कौन? जनरल कैंडिडेट यानी बहुत सारे लोग जो ऊंचे जाति के हैं। ओके, जो ऊंचे जाति के हैं, तो 50% इन टोटल रहना चाहिए, कम से कम 50% इन टोटल रहना चाहिए, तब तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन एडमिशन होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, वो कॉलेज का ऑफकोर्स कॉलेज का रेपुटेशन को देख के होगा। अगर कॉलेज बहुत नामकार है तब तो ऑफकोर्स वहां पे 80% 90% वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे, कट ऑफ देखना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन कट ऑफ तो हम लोग, हर साल का कट ऑफ अलग अलग होता है तो ये तो डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन 50% अगर है तुम्हारा तब तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि कॉलेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तब एक ही बार में 2-3 कॉलेजेस 4 कॉलेजेस 5 कॉलेजेस का एप्लीकेशन फिल कर लो, जिसमें तुम्हारा नाम आ गया उसमें तुम ऑफकोर्स जा सकते हो। और देखो रिजर्व्ड कैटेगरी मतलब कौन? जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं वो लोग को सिर्फ 40% लगेगा। ओके, और यहाँ पे देखो फीस के बारे में बात कर लेते थोड़े से। अभी हम लोग फीस के बारे में, अभी पैसा के बारे में बात करेंगे, पैसा के बारे में सुनो। यहाँ रिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में हम नहीं जानते कितना फीस लगता है उनको, लेकिन देखो जनरल कैटेगरी का मेनली बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो या जनरल, अप्रोक्स इतना लगेगा, 5,340 रुपया पर ईयर तुमको लगने वाला है अप्रोक्स। ओके, ये फीस रहने वाला है तुम्हारा, 5,340 रुपया पर ईयर तुम्हारा लगने वाला है अगर तुम बीकॉम कर रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो या जनरल कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता दोनों को ही। अगर तुम बीए कर रहे हो मतलब 5,280 रुपया पर ईयर अप्रोक्स लगने वाला है, 200-300-400 ऊपर जा सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। जो पुराना डेटा दिया हुआ है वेबसाइट्स में वही लगा के मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके, यहाँ पे देखो बीएससी ऑनर्स के लिए अगर ज्योग्राफी ले रहे हो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, 10,280 पर ईयर लग जाएगा तुम्हारा अप्रोक्स। मतलब पर ईयर मतलब क्या बोले सर, 3 साल का होता है ना प्रोग्राम, मतलब हर साल तुमको इतना इतना पैसा देना है। ओके, हर साल एग्जाम फीस अलग, लेकिन एग्जाम फीस के बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं किए हैं, समझ में आ गया? तो देखो हेरम्बा चंद्र कॉलेज का पूरा रिव्यू मैंने दे दिया। और देखो सबसे बड़ा बात कि सर एडमिशन कब से चालू होगा, जब से चालू होगा हम ऑफकोर्स इसीलिए बोल रहे हैं कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कि जब से एडमिशन चालू होगा मैं तुमको अपडेट कर पाऊं। ओके, इसीलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, जिससे मैं तुमको पक्का से पक्का अपडेट कर पाऊं कि कब से एडमिशन चालू हो रहा है, किस तरह से एडमिशन लेना है और किस तरह से फॉर्म भरना है, ये सारे के सारे अपडेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे कॉलेजेस के रिव्यू में, और तुम लोग भी मस्त रहना, आजाद रहना और एकदम बुलंद रहना। थैंक यू।